जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आपका समाधान स्टडी की जो है केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सेशन में स्वागत है। तो चलिए आइए आप सभी के लिए केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करेंगे और पूरा आप सभी लोगों को विश्वास दिला दें कि ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ सारे साथी जो है 2022 के एग्ज़ाम के लिए हो जाइए तैयार। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्या बोला गया है। और सभी लोग जो है पर्टिकुलर क्वेश्चनों को करना है, अटेंड करना है और बताना है कि आपने कितना क्वेश्चनों को सही कर पाया है। जल गैस वाटर गैस में मेथेनॉल को बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, V2 जो है आपका O5, Ni+ जो है आपका MO। तो देखिए आपको राइट आंसर बता दूं, मेथेनॉल के निर्माण के लिए जल गैस के रूप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे ZnO और साथ ही उसके किसका सर जी, Cr2O3 का। अब देखिए कैसे होगी, इसका रिएक्शन से जान लेते हैं क्या होगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हम लोग H2O की क्रिया करवाएंगे किस पर, तो देखिए ZnO+ जो है आपका Cr2O3 के साथ, तो ये क्या बनाएगा, CH3OH बनाएगा। ओके, कितने डिग्री सेल्सियस पर, हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करेंगे तो ठीक है। और इस बैलेंस संतुलन करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ये जलीय गैस का होगा। अगर आपको प्राकृतिक गैस का पूछा जाता, ठीक है बच्चा, तो अगर आपको प्राकृतिक गैस पूछा जाता तो आप लोग क्या कहते, ये रिएक्शंस नोट कर लीजिएगा और रिएक्शन से रिलेटेड आज आपको वीडियो मिल जाएगा, प्रॉपरली सारी रिएक्शंस रहेगी जो कैसे बन पाती है। देखिए CH4+ जो है अगर प्राकृतिक पूछता तो CH+O2 के साथ हम लोग क्रिया कराते तो या CU के साथ क्रिया करवाना पड़ता, किसके साथ CU, तो ये बनाएगा CH3OH बनाता, किसके उपस्थिति में, यहाँ पर 2 करते संतुलन करने के लिए और यहाँ पर भी 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक होगी और इसके पहले आपकी जलीय होगी, तो ठीक है इन दोनों समीकरण को आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। बोला गया है कि ठीक है आंशिक आयनिक समीकरण आपको दिख रहा है, एक समीकरण दिया है आपका, चलिए Cr2 और O2 7 जो है 14H के साथ ये क्रिया कर रहा है, तो इसमें सुझाव मिला है कि CrO2 और 7 की तुलना आपका तुल्यांक भार का जो है मूल्य उसके सूत्र भार के निम्नलिखित भाग जो है देने पर मिलता है। तो चलिए आप सभी लोग क्या आंसर कर पाएंगे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हर साथी बिल्कुल करेक्ट पर कर पाएगा क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों ध्यान रखना है इसका भार तुल्यांक भार क्या होगा, 6 होगा, ये आपको नोट करना है। और अगर सेशन आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है कमरे के ताप पर अविलेय है परंतु जो है उबालने पर जल में विलय होता है, तो CaCl2 होगा या फिर चलिए बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए तो देखिए अम्लीय माध्यम में, चलिए ओके बिल्कुल ये तो सही था। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिन भी साथियों ने लगाया है PbCl2 ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये आपने बहुत बढ़िया आंसर लगाए हैं, यह क्या होता है, ये उबले हुए जल में विलय हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपको F2Cl2Br2 और आपका चलिए आपका जो है I2, यह जो है प्रबलता ऑक्सीकरण, मतलब जो आपकी प्रबलतम ऑक्सीकरण कौन सा होता है आपको बताना है। तो पहले होगा आपका चलिए F2 होगा, FeCl2, ये पूरा एक क्रम से होता है, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये F बंध जो होते हैं वह कम ऊर्जा के कारण ही फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकरण होते हैं, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते साथियों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक, बोला गया है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी संकरण जिसे हम कहते हैं संकुलन यौगिक बनाता है। देखिए नोट करेगा CU जो है प्लस आयंस बनाएगा और ये आपका
चलिए बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा। यह क्या होता है, इसका आयनन विभव क्या होता है, उच्च होता है। आयनन विभव क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए इसे स्थायी संकुलन बनाते हैं। ठीक है, यह इसलिए इसे उच्च होने के कारण ही क्या बोलते हैं, यह स्थायी संकरण जो है यौगिक बनाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या बोला गया है, जरा चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा Fe2 आयन से जुड़ करके एक जो है भरा संकरण बनाता है, क्या आंसर हो पाएगा। चलिए, क्या सभी साथी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्या क्या राइट आंसर होगा, अगर आप सभी लोगों ने लगाया है NO, क्या होगा NO, तो ये आपका फेरस ऑक्साइड, इसे क्या बोलेंगे, आपका फेरस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आपको नोट करना है। और फेरस ऑक्साइड के अवशोषित करके जो है नाइट्रोस फास्फोट, ठीक है, फल्फेट जो है भूरा छल्ला देखते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं साथियों, क्या दिया है आपको दिया है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोला गया है कि विशुद्ध तथा व्यवहारिक रसायनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो है के अनुसार कौन सा यौगिक है, आपको स्ट्रक्चर दिया है उसका जो है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 डाइमिथेनॉल पेंटेन होता है, क्या आप सभी लोगों ने बी आंसर लगा पाए क्या, ठीक है, ये क्या है सर जी, ये सभी समीकरण है, यह आपका 2 और 3 डाइमेथिल जो है पेंटेन होता है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या आंसर है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और हर साथी इस क्वेश्चन को बना पाया होगा। देखिए आगे, देखिए नोट करेगा, एक कार्बनिक, ठीक है बच्चा, बोला है कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है 40%, ऑक्सीजन है 53%, और आपका हाइड्रोजन क्या है, आपका 6% है, तो इसका सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला पूछा गया है, तो तीनों का रेशो बनेगा CH2O, क्या आप लोग को बता पाए CH2O कौन से में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनाएगा यह, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कार्बन को 40 से आपका अपान करूंगा, किसका 12 का, 6.6 से अपान करूंगा 1 का, और 53 का अपान करूंगा 16, क्योंकि चलिए इनके क्या परमाणु भारों से हम लोग क्या करेंगे, अपान करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, सभी में कामन चीज़ें जो भी आएगी हम लोग उसमें क्या करेंगे, 3.33 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पर देखिए चीज़ों को समझते हैं कि ए बी घटकों का मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ये ए बी सी डी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपका ए माइनस आकर्षण, ए माइनस ए व बी माइनस बी आकर्षक आकर्षण से प्रबल होता है, ए आंसर बिल्कुल सत्य है, और सभी साथी इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे, क्या है, ए आंसर बिल्कुल सत्य है, और सभी महानुभव इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा जो है चलावयवता दर्शाता है, चलावयवता कौन सा दर्शाता है, क्या आप लोग बता पाएंगे, नोट करिए CH3COCH3 होगा, ये आपको नोट करना। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, मतलब उन्होंने डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाया होगा, और हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाया होगा। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान देते हैं, बोला गया क्वेश्चन में कि एसिटिलीन की HCl तथा HgCl2 की अभिक्रिया करके या करने पर प्राप्त होगा आपका जो है वाइनिंग क्लोराइड, या फिर होगा आपका डाइक्लोरो जो एथेन, या फिर होगा आपका एथिल क्लोराइड, या फिर होगा आपका एथिलीडिन जो है क्लोराइड होगा, तो आप सभी लोग क्या बता पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो सभी महानुभाव क्या आंसर कर पाता है, जिन भी साथियों ने लगा पाए हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या सर जी, आपका वाइनिल क्लोराइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर जो है ए सभी बच्चा लगा पाया है क्या, बिल्कुल लगा पाया होगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा CH डबल बॉन्ड CH प्लस जो है H और ये होगा Cl, इस तरीके से ये क्रिया करेगा और यह क्या बनाएगा आपका वाइनिंग क्लोराइड। वाइनिंग क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, H और सिंगल बॉन्ड के साथ Cl जुड़ा रहेगा, ये इस तरह बनाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में त्रिआबंध है और जो है द्विआबंध नहीं है, इसका परीक्षण किया जा सकता है ब्रोमीन जो है जल द्वारा, या फिर आपका बेयर अभिकर्मक द्वारा, या फिर आपका फेहलिंग आपके विलियन द्वारा, या फिर अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा, क्या आप लोग कर पाएंगे। तो साथियों जिन भी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी,
क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने लगाया है, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सभी साथी बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना पाया है और डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित एल्कोहल, ठीक है, निम्नलिखित एल्कोहल हेलाइडों में से कौन सा मेथिल कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? आपका C2H5 आपका Cl होगा, C2H5Br होगा, और C2H5I होगा, या फिर होगा CH3 और आपका CH3I होगा। तो देखिए साथियों, आप सभी लोग अगर ऑप्शन नंबर डी चूज़ करते हैं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप सभी लोगों के लिए CH3 जो है आई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एल्किल हैलाइड ये आप सभी लोग जानते हैं। आगे आते हैं, बोला है कि उर्ट्स, ठीक है, क्या बोला है? उर्ट्स प्रतिक्रिया में जो है एल्कोहल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसमें प्रतिक्रिया करता है? सोडियम, जस्ता, तांबा, प्लेटिनम, बताइए क्या होगा? सोडियम होगा, जस्ता होगा, तांबा होगा, या फिर प्लेटिनम। तो बात करें उर्ट्स की, ठीक है, जो आपका उर्ट्स जो है अभिक्रिया एल्केन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या बनाने के लिए? आपका एल्कीन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। और इसमें जो है एल्काइल हैलाइड की प्रक्रिया सोडियम के साथ किया जाता है। किसके साथ? सोडियम किसके साथ किया जाता है? Na के साथ किया जाता है। और ये आप सभी लोग बिल्कुल कर पाएंगे और बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। और उड अभिक्रिया में मेथेन नहीं बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप सभी लोगों को ध्यान ही रखना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित प्रक्रिया का उत्पादक कौन सा है? तो उत्पादक देखिए इससे क्या निकलेगा और क्या बनेगा ये हमसे बोला गया है। तो C6H6 और जो है Cl2, मतलब समीकरण संतुलन करने के लिए बोला गया है। तो क्या निकल के आएगा सर? C6H6 और Cl6, और यहाँ पर संतुलन करने के लिए यहाँ पर मुझे 3 लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप लोगों को? जी हाँ सर, ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत, मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। समीकरण संतुलन है क्या नहीं है? तो सी कितने हैं सर जी, आप लोग देख लीजिए, C6 है यहाँ पर, यहाँ पर कितने सर जी? C6 है, तो ये 6 है, ओके। चलिए और देखिएगा, H कितने? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी H6 है। तो इस तरीके से हम लोग संतुलन कर पाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, बोला है कि आपका ग्लूकोज को जो है आपका एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। अम्ल होगा, एंजाइम होगा, हाइड्रा जो है क्लिस आपका एमीन, या फिर होगा आपका फेनिल जो है हाइड्रोजनिन। तो बताइए क्या आंसर बन पाएगा? सभी लोग जो है ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझना है। कितना बच्चा जो है जिन्होंने एंजाइम लगा पाया है, एंजाइम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? एंजाइम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और सभी लोग बिल्कुल कर पाए हैं, एंजाइम जो है आंसर कर पाए हैं। आगे आते हैं, चीज़ों को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है, कुछ सीखने में मिल रहा है, तो लाइक करना है और शेयर करना है। दो चीज़ें आपको करना है गाइस, लाइक और शेयर करना है। देखिए साथियों क्या दिया है, बोला गया है कि हॉफमैन जो है हाइपो जो है ब्रोमाइड प्रतिक्रिया एक विधि जो है क्या करता है, प्रदान करती है। एक जो है तृतीयक एमीन बनाने की, सेकेंड जो है आपका एमीनो का एक मिश्रण बनाने की, एक श्रेणी में नीचे उतरने की, या एक श्रेणी में ऊपर चढ़ने की। क्या आंसर आप लोग का होने वाला है बताइए? आप सभी लोग क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे कि एक श्रेणी के जो है क्या है, एक श्रेणी के नीचे उतरने की? ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और सभी लोगों ने बिल्कुल लगा पाया है। आगे आते हैं, बोला गया कि किसी एल्डिहाइड के अपचयन से बनता है प्राथमिक एल्कोहल मोनो जो है, ठीक है, नोट करिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए मोनो जो है कार्बोक्सिल अम्ल, और दिया है द्वितीयक एल्कोहल या फिर तृतीयक एल्कोहल। क्या आंसर आप लोग बन पाएंगे? कितना बच्चा डेफिनेटली इस क्वेश्चन को वो सीख पाया है, बना पाया है, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो नोट करेगा, प्राथमिक एल्कोहल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं साथियों क्या है।
एल्को कार्बो दिया है कैल्शियम फॉर्मेट और जो है कैल्शियम एसीटेट फॉर्मेट और एसीटेट दिया है के मिश्रण का शुष्क आपका आसवन बनाने की आसवन बनाने से प्राप्त क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखना है इससे प्राप्त होगा एसीटोन या फिर एसिटिक एल्डिहाइड या फिर आपका फॉर्मेल्डिहाइड या फिर आपका फार्मिक अम्ल। तो प्राप्त होगा आपका ऑप्शन नंबर बी या आपका एसिटिक एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए चीज़ों को सीखते हैं। बोला गया है कि प्रोटीन की जो है आपका द्वितीयक संरचना होती है पेप्टाइड आबंध या फिर होगा आपका हाइड्रोजन आबंध या फिर होगा आपका वॉल्बल या फिर होगा आयनिक आबंध। क्या आंसर हो पाएगा? तो साथियों जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी लगा पाया है, क्या होगा, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ये बिल्कुल सत्य है, हाइड्रोजन आबंध इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रोटीन जो है आपका एमाइड है और साथ ही इसमें हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए चीज़ों को पूछा गया आप लोगों से, नोट करिएगा क्या है क्वेश्चन है कि किसी, ठीक है बच्चा, देखिए नोट करते हैं क्या दिया है। किसी विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण का स्थल होता है एनोड पर, कैथोड पर, इलेक्ट्रोड पर या फिर आपका संदर्भ इलेक्ट्रोड पर। तो साथियों एनोड पर ऑक्सीकरण जबकि कैथोड पर अपचयन होता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या कहा मैंने, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है और जो है कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इस्पात संरक्षण को रोकने के लिए कौन सी धातु को जो है उस पर लेप करते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर जिंक, बताइए। हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाएगा कि हम लोग जो है गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक की परत का यूज़ करते हैं। क्या आप सभी लोग डी आंसर लगा पाए क्या, यह लोहा धातु के को संरक्षण करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे आते हैं, क्या बोला गया है आपसे, बोला गया कि तीव्र अम्ल योम जो है, तीव्र अम्ल योम आपका क्षीण क्षार के लवण की हाइड्रोलिसिस ताप को बढ़ाने से बढ़ती है, ताप के घटाने से घटती है या फिर सर जी यह अप्रभावित होती है और ताप परिवर्तन से या फिर यह जो है सांद्रता के परिवर्तन में अप्रभावी होती है। क्या आप लोग आंसर कर पाएंगे? सभी लोगों को नोट करना है कि ताप के बढ़ने पर आयतन व आपका जल अपवर्तन की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्या हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए कर पाएंगे क्या, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मतलब हमने चीज़ों को बिल्कुल सीख लिया है और कंटिन्यू हम लोग सीख ही रहे हैं। आगे देखिए, किसी क्षीण अम्ल का वियोजन स्थल घटता है प्रबल अम्ल के मिलने से, उसी जो है क्षण अम्ल के लवण के मिलने से, तापमान के घटने से या फिर आपके विलयन के आपके तनुता से। तो देखिएगा साथियों, अम्ल के विलयन स्थिरांक केवल ताप पर निर्भर होता है, केवल किस पर, ताप पर जो है निर्भर होता है, मतलब जो है ठीक है ताप घटने पर यह घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, चीज़ों को समझते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने करवा दिया है, ई अपॉन में एम जो दिया हुआ है इसका अनुपात जो है निर्धारण निम्न में से है, थॉमसन, डॉल्टन, चैडविक या फिर आपका गोल्डस्टीन होगा। साथियों सभी को ध्यान देना है, चीज़ों को सीख कर आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई फॉर क्या होता है, तो ई फॉर आवेश होता है, ओके, और जो है एम फॉर मास होता है। तो अब आप लोग तो बता ही पाएंगे। चलिए तो इस अनुपात को थॉमसन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, किसने दिया था, थॉमसन ने के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, नाभिक के समीप क्या दिया है, नाभिक के समीप जो है कौन से
ऑर्बिटल में किसी इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सर्वाधिक संभावना है। चलिए 3p, 3d, 3s क्या हो पाएगा? साथियों सभी को नोट करना है, इस बार जो है 3s आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए जो है निर्धारण संभव होता है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 3s। क्या होगा? 3s बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है और सभी बच्चा इस क्वेश्चन को लगा पाया होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्प्रेरक जो होता है तेल के हाइड्रोजेनेसिस में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होगा? साथियों क्या आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा आपका बिल्कुल सत्य आंसर हो पाएगा? जिन्होंने निकिल आंसर लगाया है ये बिल्कुल सत्य होगा। निकिल उत्प्रेरक तेलों के हाइड्रोनीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और सभी महानुभव इस क्वेश्चन को बना पाए हैं। देखिए, बोरेक्स आपका बिट परीक्षण द्वारा निम्न पूरक की पहचान आपको करना है कि कौन सा होगा, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कॉपर आपका मेटाबोरेक्स क्या होगा? चलिए इसमें जो है कॉपर, आप सभी लोग आंसर करेंगे क्या कॉपर? चलिए कैसा होगा तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे, तो CuO के साथ क्रिया करेगा, B2O3 के साथ यह क्रिया करेगा और CuBO2 और 3 ट्वाइस बनाएगा, ये बनेगा आपका कॉपर जो है मेटाबोरिक्स। ठीक है, कॉपर मेटाबोरिक्स बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए K2CrO4 के साथ निम्न में से कौन जो है पीला अवक्षेप देता है, तो आप लोग बताएंगे कि आपका बेरियम क्रोमेट। ठीक है, बेरियम क्रोमेट दिया हुआ है आपको, तो बोरियम क्रोमेट का पीला जो है अवक्षेप होता है और दिए गए में जो आपका वी ग्रुप से संबंधित है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ताकि आप भी थोड़ा इस क्वेश्चन को बना पाए। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली क्लास में प्रोवाइड किया था, तो उसी के बेस्ट पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और ये सेशन आपको पसंद आएगा। 30 क्वेश्चन करवाया है, कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएगा कि आपने 30 में कितना क्वेश्चन सही किया है। और चीज़ें पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, और इस बार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेके एक पोस्ट को हासिल करना है, और आई होप कई चीज़ें आप लोग को बहुत ही अच्छे से लर्न हो रही होगी और आप लोग बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।